जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे गैलेशियंस अध्याय 6:1। भाइयों, यदि यह पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया है तो आप लोग जो आध्यात्मिक हैं उसे नम्रता पूर्वक सुधारें। आप स्वयं सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी प्रलोभन में पड़ जाएं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गलती करता है और हम जो आत्मा में हैं, परमेश्वर में हैं, जब हम किसी जन को गलती करते हुए देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे प्रेम से समझाना है। हम क्या गलती करते हैं, थोड़ा सा बाइबल अगर हम जान लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बुक धार्मिकता हो जाते हैं, हम बुक धार्मिक है और हमारे जैसा कोई नहीं। 4-5 वचन के हमें याद हो जाता है, हमें लगता है कि हमने पूरा बाइबल को पढ़ लिया है। और जब उस स्थिति में हम आ जाते हैं, किसी लोग को हम देखते हैं गलती करते हुए, हम कहते हैं कि देखो सबके सामने कि देखो ये गलत कर रहा है, देखो ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। हम दूसरों को जज करना चालू करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम ये करते हो तो तुम गलत हो, तुम्हें प्रेम से समझाना है किसी व्यक्ति को। मेरे भाई और बहनों, धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, धार्मिकता का ये मतलब है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। देखिए, जानना अलग होता है, प्रेम करना अलग होता है। तो परमेश्वर कहता है जो धार्मिक है, मतलब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो उसके राह में चलेंगे। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा का फल प्रेम का फल है, तो अगर मैं धार्मिकता की जीवन जी रहा हूँ तो मैं प्रेम की जीवन जी रहा हूँ। और अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ कुछ करता है तो मैं 10 लोग के सामने उसे बेइज्जत नहीं करूँगा, मैं उसे बुलाकर अपने पास बैठा कर प्रेम से समझाऊंगा। और यही है क्रिस्ती जीवन। मेरे भाई और बहनों, हम जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम घमंडी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हम सब जज से बात कर रहा है जो हमें देख रहे सुन रहे, कि नम्रता की जिंदगी जियो, धार्मिकता की जिंदगी जियो, प्रेम का जीवन जियो। इस समय हम अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुबह के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद परमेश्वर की तरह वचन कहता है कि हमें एक धार्मिकता का जीवन जीना है। तो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होने दे परमेश्वर, के हम एक जीवन जिए परमेश्वर जो तेरे राज्य का है। और इस सुबह परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम एक धार्मिकता का जीवन जी सके, जिस प्रकार परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया है हम भी दूसरे से प्रेम करें। और यही प्रार्थना माता मरियम के मदद से सारे स्वर्गदूत के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। जय श्री।